हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड बिलीविंग। सो वेलकम बैक इन आवर चैनल। मैं सर अभिषेक कुमार, आई एम योर ऑडियो मेंटर। सो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। व्हाई नीड टू सेल साइकिल एंड व्हाई नीड टू सेल डिवीजन, वी डिटेल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स। And if you want to join my social media handles, so I provided link in the description box and the WhatsApp section on my channel. So please go through the WhatsApp section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Cell cycle and cell division. Now topic is cell cycle and cell division. So in this particular chapter, we detail discuss about cell cycle and cell division. So first we want to give overview before starting the session. So in this particular video, we cover some topic, that is, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेल साइकिल, कि सेल साइकिल क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे यम फेज क्या होता है, यम फेज को हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। सारी की सारी चीजें डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस का महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। और उसके बाद देखेंगे हम मियोसिस, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्यों रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। सारी की सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा आपको। और आफ्टर दैट लास्ट में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस का महत्व क्या होता है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। So first we did have written in NCERT test book. After that, elaborate each and everything with simple and easy words. So let's begin without wasting any time. So क्या है NCERT के टेस्ट में क्या लिखा गया? Are you aware that all living organism, even largest, start their life from a single cell? इसमें NCERT में ये बताया गया कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्या हो, even largest, वो कितना बड़ा क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करता है तो वो सिंगल सेल से करता है। ये बात सही है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो हाँ जी ये बात सही है कि लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करेगा वो कैसे, सिंगल सेल से स्टार्ट करेगा। ठीक है, आगे क्या है, यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक सिंगल सेल कैसे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देती है ना। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन द फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म, आप ये आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक सिंगल सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना लेती है। ठीक है, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना लेती है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस बात से। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, जो ग्रोथ होता है यानी सेल अपनी मास में ग्रोथ करेगी, है ना, और रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री मतलब बार बार, प्रोडक्शन मतलब वो प्रोजनी बनाएगी, अपनी क्या करेगी, संतान को पैदा करेगी। ग्रोथ में क्या होगा, उसके बॉडी का मास इंक्रीज होगा, है ना, और उसमें रिप्रोडक्शन में उसके प्रोजनी का नंबर इंक्रीज होगा, यानी प्रोजनी प्रोड्यूस करेगी। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग सेल, यानी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, ऑल सेल प्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इंटू टू, यानी सारी की सारी जो सेल होती हैं वो डिवाइड होती हैं दो में, एक सेल डिवाइड होगी दो में। ठीक है, विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइडेड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो सेल होगी, एक सेल डिवाइड करेगी दो सेल बनाएगी। ठीक है, दो सेल डिवाइड करेंगी, ये दो दो सेल बनाएंगी। ठीक है, दो सेल डिवाइड करके चार सेल बनाएंगी, फिर चार सेल ये डिवाइड करेंगी, चार सेल फिर ये डिवाइड करेंगी, इससे दो जाएगा, इससे दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे, ऐसे अपनी संख्या में ये इंक्रीजमेंट करती हैं, ऐसे ये डिवाइड करती हैं, है ना, यही हमको बताया गया है। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाई, ऑल सेल जो होती हैं, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इंटू टू, सारी की सारी सेल होंगी वो डिवाइड होंगी टू में। उसके बाद क्या है, विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड, जब वो डिवाइड करेंगी तो सारी की सारी पेरेंटल सेल होंगी वो क्या, दो डॉटर सेल बनाएंगी। एक पेरेंटल सेल ये मान लो ये पेरेंटल सेल होगी, इससे क्या दो डॉटर सेल मिलके बनी, दो डॉटर सेल इससे बनी। ठीक है, इससे दो डॉटर सेल बनी, तो यानी प्रत्येक पेरेंटल सेल डिवाइड करेगी तो दो डॉटर सेल देगी। ठीक है, आगे क्या है, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल, ये जो नई डॉटर सेल बनी है ना, पेरेंटल से डॉटर सेल बनी, ये भी देम सेल्फ ग्रो एंड डिवाइड, ये भी क्या होता है, देम सेल का मतलब होता है, यहाँ देम सेल का मतलब होता है स्वयं, क्या होता है, स्वयं में ये खुद डिवाइड करेंगी, है ना, ये डॉटर सेल खुद डिवाइड करेंगी, ये डॉटर सेल थी खुद डिवाइड करेंगी, अब ये क्या बन गई, ये डॉटर सेल जो थी अब ये बन गई पेरेंटल सेल, अब ये जो डिवाइड करेंगी इनसे जो सेल बनेगी फिर वो बन जाएगी डॉटर सेल, है ना, इसका मतलब यही है कि दीज न्यूली फॉर्म सेल, ये जो न्यूली फॉर्म सेल डॉटर सेल थी, ये क्या खुद में डिवाइड करेंगी और ग्रोथ करेंगी और गिव राइज ए न्यू सेल पॉपुलेशन डेट इज फॉर्म बाई ग्रोथ एंड
डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजनी, और ये ग्रो करेंगी, डिवाइड करेंगी और प्रोड्यूस करके क्या नई सेल बनाएंगी और खुद में क्या बन जाएंगी, पेरेंटल सेल बन जाएंगी और अपनी डाटा सेल को प्रोड्यूस करेंगी, यानी अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या देखेंगे, दूसरों शब्दों में, इन अदर वर्ड सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन सेल, है ना। ये दूसरे शब्दों में हम ये देखेंगे कि सेल साइकिल जो होती है ना, क्या होता है, सेल की साइकिल होती है और ग्रोथ होता है और डिवीजन होता है, इससे क्या होता है, सिंगल सेल मिल के, सिंगल सेल से मिलियन ऑफ सेल बन जाती हैं, सिंगल सेल से मिलियन ऑफ सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बताया गया हमको, सेल साइकिल क्या होता है ना, सेल साइकिल क्या होता है ये हमको बताया गया है। सेल साइकिल के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल का डिवीजन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ना। सेल डिवीजन में क्या होता है, द सेल डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन ऑफ सेल में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस, है ना। यानी सेल डिवीजन में क्या होगा, सेल डिवीजन में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल की ग्रोथ होगी, ये किसके अंदर आता है, सेल डिवीजन में आता है। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद क्या बताया गया हमको, ऑल दीज प्रोसेस यानी सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, है ना, कौन कौन से प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ये जो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं, ऑल दीज प्रोसेस सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हिंस हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे, है ना। ये क्या होते हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड वे पे होते हैं, यानी एक दूसरे से तालमेल बना के अपना काम करते हैं लोग, एक दूसरे से तालमेल बना के अपना काम करते हैं, टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, है ना। और ये करेक्ट मतलब ये अपने सारे के सारे कोऑर्डिनेशन फैशन में काम करते हैं, कौन कौन से, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन मैनर पे काम करते हैं फॉर करेक्ट डिवीजन, की डिवीजन करेक्ट हो, सही तरीके से डिवीजन हो, और फिर उसमें क्या हो जाएगा, जब डिवीजन करेक्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी, प्रोजनी सेल जो बनेंगी वो अच्छी खासी बनेंगी और उसमें जो इंटैक्ट जीनोम होगा वो पूर्ण जीनोम, इंटैक्ट का मतलब होता है पूर्ण, इंटैक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी जो उनके पेरेंट से जो जीनोम आएगा वो सारा का सारा उनके पास अच्छा खासा कंटेंट में जाएगा और उनमें अच्छे अच्छे फंक्शन होंगे, अच्छे अच्छे उसमें जो फीचर्स आएंगे जो कि उनके पेरेंट्स में हैं। ठीक है, आगे क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, है ना। सीक्वेंस क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, डुप्लीकेट का मतलब होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है रिप्लीकेशन, क्या होता है, रिप्लीकेशन, रेप्लिकेशन यानी अपने जीनोम का, है ना, अपने जो उसका जो जीनोम, जीनोम कंटेंट है उसको बढ़ाएगी, है ना, क्या करेगी, बढ़ाना, बढ़ाना या इंक्रीज करना, है ना, या इंक्रीज करना, बढ़ाना या इंक्रीज करना। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल इज टर्म सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर कितनी चीज़ें आ गई, सेल साइकिल के अंदर कितनी चीज़ें आई ये मैं आपको बताता हूँ। सेल साइकिल में क्या हुआ, द सीक्वेंस जो होगा इसके जो जीनोमिक कंटेंट होगा उसका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, यानी वो इंक्रीजमेंट होगा, वो उसमें जीनोमिक कंटेंट में इंक्रीजमेंट होगा। और क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट, और जो सेल के अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो उनकी भी सिंथेसिस होगी और इवेंचुअली डिवाइड इंटू टू डाटा सेल, और वो दो डाटा सेल में डिवाइड होंगे, यानी एक पेरेंटल सेल से कितने बनेंगे, दो डॉटर सेल बनेंगे, क्या बनेंगी, दो डॉटर सेल बनेंगी। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब किस में आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, यानी कोशिका चक्र, क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र, इसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल को कोशिका चक्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड करेगी और पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल देगी, है ना, उसमें जो जीनोमिक कंटेंट होगा वो उसका डुप्लीकेशन होगा, और क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, जो सेल के अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनका सिंथेसिस होगा और पेरेंटल सेल डॉटर सेल में डिवाइड करेगी। ठीक है, आगे क्या है, ऑल्दो सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ
सेल ग्रोथ किस टर्म में बोलेंगे हम इसको, सेल ग्रोथ का मतलब होगा इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट। था इनको साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज मतलब उसका जो होगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यानी साइटोप्लाज्म, क्या होगा साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में मेन एरेना होता है पास सेलुलर एक्टिविटी, कि सारी की सेल की जो सारी की सारी एक्टिविटी होगी वो कहाँ पे होगी साइटोप्लाज्म में होगी। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट सभी में पाया जा रहा था है ना, क्योंकि सेलुलर की एक्टिविटी के लिए मेन एरेना था है ना। तो यहाँ पे हमको बताया गया है ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट होता है इन टर्म ऑफ सेल ग्रोथ, यानी जब सेल की ग्रोथ होगी तो उसके जो साइटोप्लाज्म होगा वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा है ना, ये हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बट जो डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी जो सिंथेसिस होती है ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल, यानी एक स्पेसिफिक स्टेज मतलब एक स्पेसिफिक स्टेज होगी उसमें इसके जो सेल साइकिल में उसमें इसका क्या होगा डीएनए की सिंथेसिस होगी, मतलब डीएनए का बनना, सिंथेसिस का मतलब बनना ठीक है, यानी डीएनए बनेगा ठीक है, डीएनए का बनना है ना, डीएनए बनेगा ठीक है। सिंथेसिस अगर ओनली स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल, स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल में डीएनए का सिंथेसिस होगा, वो किस फेज में होता है उसको बोलते हैं यस फेज, यानी बोलते हैं सिंथेटिक फेज, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ठीक है। आगे क्या है द रिप्लीकेटेड क्रोमोसोम, यानी जो रिप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है यानी जिसको डीएनए बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं रिप्लीकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल डिवीजन है ना। फिर उसके बाद क्या डीएनए की सिंथेसिस होगी, यस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। उसके बाद जो होता है रेप्लीकेटेड डीएनए, यानी जो डीएनए बना हुआ होता है डीएनए क्रोमोसोम, रेप्लीकेटेड क्रोमोसोम को जिसको यहाँ पे बोला रेप्लीकेटेड क्रोमोसोम को क्या बोला डीएनए बोला, तो वो डीएनए होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लियाई में, डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इसका जो पेरेंट का जीनोमिक कंटेंट होगा वो डॉटर में भी जाएगा। तो वो कैसे होता है सीरीज कॉम्प्लेक्स ऑफ इंड, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सीरीज चलती हैं है ना डिवीजन ड्यूरिंग सेल डिवीजन में, उसके थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है। दीज इवेंट आर देम सेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये जो होते हैं ये सारे के सारे इवेंट जो होते हैं खुद में एक किस में होते हैं जेनेटिक कंट्रोल में है ना, जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं सारे के सारे ये इवेंट्स ठीक है। आगे क्या बताया गया हमको, आगे बताया गया हमको फेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के फेस क्या क्या होते हैं ना, सेल साइकिल के फेस के बारे में देखेंगे हम लोग, फेस ऑफ सेल साइकिल ठीक है। अब क्या एक यूकैरियोटिक सेल होती है ना, एक यूकैरियोटिक सेल, इसमें हम ह्यूमन सेल का कल्चर करके उसके बारे में पढ़ेंगे है ना। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन कल्चर है ना, उसका ह्यूमन सेल का एक ह्यूमन, क्योंकि हम लोग यूकैरियोट्स में आते हैं, यूकैरियोट का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए उसको क्या बोलते हैं यूकैरियोट बोलते हैं ठीक है। अब ह्यूमन की जो सेल होती है उसको जब कल्चर करके हमने देखा तो उसमें क्या देखा कि जो दी सेल डिवाइड वन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर की, ह्यूमन की जो सेल थी वो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब हुआ लगभग 24 घंटे में डिवाइड करती है, कितने घंटे में डिवाइड करती है 24 घंटे में डिवाइड करती है, ये हम याद रखेंगे, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्यूमन की यूकैरियोटिक सेल कितने घंटे में डिवाइड करती है, तो याद रखेंगे ये फिगर दिया गया 10.1, हम फिगर बाद में दिखाएंगे आपको ठीक है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये जो होता है सेल का ड्यूरेशन होता है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है ना, ये सेल का ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है ना, क्या है वो सारे की सेल टू सेल टाइप है ना, यूकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है उस पर भी डिपेंड करता है। और जैसे एक एग्जांपल और दिया गया हमको, क्या दिया गया है ईस्ट का एग्जांपल दिया गया है, ईस्ट का एग्जांपल दिया गया है जो कि क्या है फंगस है, क्या है ईस्ट क्या है हमारा फंगस होता है, उसका एग्जांपल दिया गया है। इसकी जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है अबाउट 90 मिनट होता है, कितना होता है सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है ओनली 90 मिनट, यानी इसकी जो 90 मिनट में सेल साइकिल क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी ठीक है। क्या है द सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज, सेल साइकिल को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, सेल साइकिल को हम टू बेसिक फेज में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन से बेसिक फेज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके जो टू बेसिक फेज होते हैं कौन कौन से फेज होते हैं, फर्स्ट फेज होता है इंटरफेस, कौन सा फेज होता है इंटरफेस, और सेकेंड फेज क्या होता है यम फेज, जिसको क्या बोलते हैं माइटोसिस फेज बोलते हैं, यम फेज को क्या बोलते हैं माइटोसिस फेज बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे, माइटोसिस होता है ना कि मियोसिस फेज होता है ठीक है।
एम फेज को माइटोसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंटरफेज क्या होता है, मोर देन 95% होता है वो इंटरफेज ड्यूरेशन कवर करता है ना, मोर देन 95% जो होगा, मोर देन 95% जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो इंटरफेस कवर करेगा, और लेस देन 5% होगा वो यम फेस कवर करेगा। आगे चल के मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो देखते हैं यम फेस क्या होता है ना, यम फेस क्या होता है, यम फेस रिप्रेजेंटेड द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंटेड द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो यम फेस होता है यानी माइटोटिक फेस होता है, तो वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, यानी वास्तव में इसमें सेल डिवीजन होता है। यम फेस रिप्रेजेंट द फेस एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड, यानी इसमें क्या होगा, एक्चुअल सेल डिवीजन होगा और माइटोसिस होगी, और जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेस। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रम से आने वाले, क्या मतलब, क्रम से आने वाले, क्रम से आने वाले यानी सिक्वेंसल है ना, सिक्वेंस से आने वाले, सिक्वेंस से आने वाले दो यम फेस के बीच का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट डैट, ये महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण है नोट करने के लिए, कि इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन सेल साइकिल, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है नोट करने के लिए, कि ह्यूमन का सेल जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 24 आवर होता है ना, उसमें क्या होता है, 24 आवर में सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, जो सेल का डिवीजन होगा वो लास्ट के एक आवर में होता है, यानी लास्ट के घंटे में होगा, यानी 24 आवर होता है, तो यानी 23 घंटे में क्या होगा, इसका सेल का डिवीजन होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है, ठीक है। द इंटरफेस लास्ट मोर, जो इंटरफेस होता है, मैंने आपको बताया था इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल, यानी जो इंटरफेस होगा मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल में होता है, यानी इसका जो इंटरफेस का टाइम ड्यूरेशन होता है कितना होता है, मोर देन 95% ऑफ द सेल, ठीक है, यानी जो 23 घंटे जो होगा वो क्या होगा, इंटरफेस होगा, और 1 घंटे जो होगा वो क्या होगा, यम फेस होगा, आप समझ गए होंगे, है ना। अब आगे क्या दिया गया है, यम फेस स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, यम फेस जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से, कहाँ से, न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ से, यहाँ पे न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, है ना, करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, यानी करेस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम यानी जिसको क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, है ना, न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड यूजली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यानी इसमें हमको क्या पता चला, कि जो यम फेस होता है, यम फेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस को क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे, है ना, कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होगा, और कहाँ पे ख़त्म होगा, तो साइटोकाइनेसिस पे आके ख़त्म होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो यम फेस होता है, माइटोसिस फेस होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है, साइटोकाइनेसिस से ख़त्म हो जाता है, साइटोकाइनेसिस पे आके ख़त्म हो जाता है ना। आगे देखते हैं, द इंटरफेस, इंटरफेस थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इंटरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, इंटरफेस को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट ये एक्चुअल में रेस्टिंग रेस्ट में नहीं होता है ना, इसका नाम बोलते हैं रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल इन रेस्ट फेज, है ना, इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट ये क्या होता है, रेस्टिंग फेज में नहीं होता है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन, है ना, इस समय क्या होता है, रेस्टिंग फेज या इंटरफेस को क्या बोला, रेस्टिंग फेज बोला, तो इस फेज में सेल रियल में रेस्ट में नहीं होती, वो क्या करती, प्रिपेयर करती खुद को, प्रिपेयर करती खुद को, तैयार करती है, किस लिए, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, है ना, यानी इंटरफेज में जो बोला कि सेल रेस्टिंग फेज में, ये एक्चुअली रेस्टिंग फेज में नहीं होती, ये अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, है ना, और डिवीजन में कौन कौन से आते हैं, डिवीजन में आते हैं सेल ग्रोथ आता है, और क्या आता है, डीएनए का रेप्लिकेशन आता है इन ऑर्डरली मैनर, पहले क्या होगा,
पहले सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, ये दोनों ऑर्डरली मैनर पे होंगे, है ना। उसके लिए इंटरफेस अपने आप को प्रिपेयर करता है, सेल इंटरफेस में अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया हमको, जो इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस को डिवाइड किया गया है थ्री फर्दर फेसेस में, इंटरफेस को तीन फर्दर फेसेस में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन से फेस होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, है ना। तो पहला फेस क्या होता है, जीवन फेस। जीवन फेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ फर्स्ट फेस बोलते हैं या गैप फर्स्ट फेस बोलते हैं, ठीक है। यस फेस को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेस बोलते हैं, यानी सिंथेसिस फेस, इसमें डीएनए की सिंथेसिस होगी, है ना, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा और हिस्टोन प्रोटीन वगैरह इसी फेज में बनते हैं। और क्या हुआ फिर, जी टू फेज बोला, यानी गैप टू फेज या ग्रोथ टू फेज बोला गया इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या बनेगा, टूबुलिन प्रोटीन वगैरह बनेगी, क्या बनेगी, टूबुलिन प्रोटीन बनेगी, इसमें क्या बनेगी, हिस्टोन प्रोटीन बनेगी। और जीवन फेज में क्या होगा, आरआरएनए की सिंथेसिस होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगा, राइबोसोम बनेंगे, है ना, और अदर के सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं इनका भी बनते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक एक करके। जीवन फेस, जीवन फेस करेस्पॉन्ड्स टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमसे ये बोला कि जीवन फेस जो होती है वो इसके एक बीच का इंटरवल होता है, माइटोसिस, माइटोसिस यानी यम फेस, यम फेस और सिंथेसिस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी यम फेस में होता है माइटोसिस, और क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो होता है यस फेस में होता है। इसके बीच में जो आता है, क्या आता है, वो जीवन आता है। कौन सी फेस आती है, जीवन फेस आती है, मैं आपको डायग्राम में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। यही बताया गया, जीवन फेस करेस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इन दोनों के बीच की फेस है क्या, जीवन फेस, यानी गैप फेस या ग्रोथ फर्स्ट फेस, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया, ड्यूरिंग जीवन फेस, जीवन फेस में क्या होता है, ड्यूरिंग जीवन फेस सेल इज मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूस ग्रो बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डीएनए, यानी जीवन फेस में क्या होगा, सेल जो होगी मेटाबॉलिक एक्टिव होगी और क्या करेगी, कंटिन्यूस ग्रो करेगी, यानी कंटिन्यूस ग्रो करेगी, बट क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, जो डीएनए का रेप्लीकेशन है वो नहीं होगा। ये बात याद रखेंगे कि डीएनए का रेप्लीकेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, यस फेस में होता है, यस फेस में होता है डीएनए का रेप्लीकेशन, इसको सिंथेटिक फेस बोलते हैं, ठीक है। बट जीवन फेस में सेल अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखती है और क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, प्रिपेयर करेगी, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी, है ना, राइबोसोम की सिंथेसिस करेगी, क्या क्या करेगा इसमें, जीवन फेस में क्या होगा, राइबोसोम की सिंथेसिस होगी, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है, और भी चीज़ें बनती हैं इसमें, ये अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखती है और कंटिन्यू ग्रो करती है, बट इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, यस यस और सिंथेटिक, यस वर्ड रिलेटेड है किससे, सिंथेसिस से, सिंथेसिस का मतलब बनना, सिंथेसिस का मतलब कोई चीज़ बनना, ठीक है, कोई चीज़ बनेगी इसमें, है ना। यस और सिंथेटिक फेस क्या होता है, मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, है ना। अब इसमें क्या होता है, यस फेस में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है यानी डीएनए बनता है और उसका रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए का नंबर इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, यानी वो रिप्लीकेशन होगा अपने आप को, उसका अमाउंट रिप्लीकेट करेगा, अमाउंट बढ़ाएगा, ठीक है, क्या करेगा, इसका अमाउंट जो होगा बढ़ेगा, अमाउंट जो होगा, अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, यही है डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, है ना। ये स्पेस में क्या होता है, जो डीएनए का अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, पर सेल डबल हो जाता है, यानी डीएनए का अमाउंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, कहाँ पे डबल हो जाएगा, यस फेस में, याद रखेंगे कहाँ पे डबल होगा डीएनए का अमाउंट, यस फेस में हो जाएगा डबल, ठीक है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट, अगर उसका इनिशियल अमाउंट जो है डीएनए का 2c है, क्या है, इनिशियल अमाउंट अगर डीएनए का 2c है तो वो इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2c से इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा, कहाँ पे, यस फेस में, याद रखेंगे उसका अमाउंट जो होगा डबल होगा, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो, वहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो, यानी उसके नंबर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, है ना, उसके क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नॉट इंक्रीज, क्रोमोसोम नंबर नॉट इंक्रीज, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो होगा उसका इंक्रीज नहीं होगा, बट उसका जो अमाउंट होगा वो
यह स्पेस में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, इफ द सेल, हमको एग्जांपल के लिए बताया गया है, इफ द सेल हैड डिप्लॉयड, है ना, डिप्लॉयड को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड को हम बोलते हैं 2n, क्या बोलते हैं 2n बोलते हैं, और हैप्लॉयड को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, है ना, याद रखेंगे। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर सेल के पास डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एट जीवन फेस, जीवन फेस में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, आफ्टर यस फेस, आफ्टर यस फेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन इन सेम, यानी आफ्टर यस फेस के बाद भी जो क्रोमोसोम का नंबर होगा तो उनको क्या मिलेगा, 2n ही मिलेगा, क्योंकि इसमें नंबर का इंक्रीजमेंट नहीं होता है, बट डीएनए का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, डुबल हो जाता है ना, 2c से कितना हो जा रहा था, 4c हो जा रहा था। ठीक है, और जो जीवन में अमाउंट था वो क्या था, 2c था, है ना, ये याद रखेंगे। ठीक है, इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, ड्यूरिंग यस स्पेस, एनिमल सेल में क्या होता है, यस स्पेस में क्या हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता ही, वो सबको पता है, क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन बिगिन होता है इन द न्यूक्लियस, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा, एनिमल सेल में, न्यूक्लियस में होता है, एंड सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल्स जो होता है एनिमल में, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये कहाँ पे डुप्लीकेट होता है, साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है, ये बात याद रखेंगे कि एनिमल में ड्यूरिंग यस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, बट सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, सी से सेंट्रियोल्स और सी से सेंट्रियोल, सी से साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखेंगे साइटोप्लाज्म का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, सॉरी सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द जी2, ड्यूरिंग द जी2 फेस, जी2 फेस में क्या होगा, जी2 फेस प्रोटीन आर सिंथेसाइज, प्रोटीन क्या बनती है, जी2 फेज में क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, जी2 फेज में कौन सी प्रोटीन बनेगी, तो हम बोलेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनती है, जी2 फेज में बनती है। ठीक है, याद रखेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, फिर क्या होता है, जी2 के फेज के बाद क्या आता है, यम फेज आता है, यानी ये अपने आप को प्रिपेयर करती है माइटोसिस में जाने के लिए, है ना, व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, और इसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, क्योंकि जी2 जो होता है, जी2 को क्या बोलते हैं, ग्रोथ सेकेंड फेस बोलते हैं, ग्रोथ फेस है ये, कौन सा फेस है, सेकेंड ग्रोथ का सेकेंड फेस है, इसमें सेल की ग्रोथ होती रहती है, और इसमें क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, कौन सी प्रोटीन बनेगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों बनेगी, क्योंकि यम फेस में जाएगी सेल, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, यानी आप अपने आप को ग्रोथ में बनाए रखती है। आगे क्या दिया गया है हमको, सम सेल जो होती हैं, कुछ सेल ऐसी होती हैं इन एडल्ट एनिमल, कुछ सम एडल्ट एनिमल की सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, वो डिवीजन को एग्जिबिट नहीं करती, यानी डिवीजन नहीं करती हैं, तो उसका एग्जांपल हमको क्या दिया गया है, एग्जांपल हमको दिया गया है हार्ट सेल, हार्ट सेल जो होती हैं एनिमल में, वो अपने आप को डिवाइड नहीं कराती हैं, क्या नहीं कराती हैं, डिवाइड नहीं कराती हैं, है ना। सम सेल इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर एग्जिबिट द डिवीजन, तो एग्जाम्पल है उसका हार्ट सेल, है ना, एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेशनली, इसका मतलब क्या हुआ, ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभी, क्या होता है, कभी कभी, है ना, कुछ और भी सेल होती हैं अपने आप को कभी कभी डिवाइड कराती हैं जब उनको ज़रूरत होती है, क्या होती है, जब उनको ज़रूरत होगी तभी वो अपने आप को डिवाइड कराएंगी। ठीक है, और कब डिवाइड कराएंगी, रिप्लेस डेट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज इंजरी ऑफ सेल डेथ, है ना, या अगर हमारी कोई सेल है वो कभी कभी डिवाइड करती है, वो डिवाइड कब कराएगी, एक स्पेशल कंडीशन पे कराएगी, जब यह सेल वो तो लॉस्ट हो गई हो, या उसमें कोई ऐसे सेल की डेथ हो गई हो, या उसमें कोई इंजरी हो गई होगी, तभी वो कुछ सेल होती हैं वो अपने आप को डिवाइड कराती हैं, नहीं तो वो अपने आप को डिवाइड नहीं कराती हैं। ठीक है, दीज सेल डेट डू नॉट डिवाइड फर्दर, जो सेल डिवाइड नहीं करती है, जो सेल खुद को डिवाइड नहीं कराएगी, वो क्या कराएगी, जो सेल खुद को डिवाइड नहीं करेगी वो एग्जिट हो जाएगी, कहाँ से एग्जिट हो जाएगी, जीवन फेस, है ना, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, जीवन यस जी2। ठीक है, ये इंटरफेस के पार्ट थे, अब इसमें क्या है, जो सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कराएगी वो क्या, जीवन फेस से एग्जिट हो जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी, और एक इनएक्टिव स्टेट में कहाँ पे चली जाएगी, इनएक्टिव स्टेट, जीवन फेस से एग्जिट होगी और इनएक्टिव स्टेट में चली जाएगी, जिस फेज का नाम क्या है, इस स्टेज का नाम क्या है, क्यूसेंट
क्या है, क्यूसेंट स्टेज, जिसको जी नॉट से डिवाइड करते हैं, सॉरी डिनोट करते हैं, और क्यूसेंट स्टेज को कैसे जी नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनएक्टिव स्टेज होता है सेल साइकिल का, ठीक है, सेल साइकिल का इनएक्टिव स्टेज होता है। अब ऐसा नहीं कि ये सेल डिवाइड नहीं कर रही तो ये सेल बेकार हो गई, ऐसा नहीं है, ये इनएक्टिव स्टेट में चली जाएगी, बट इसमें क्या होगा, ये अपने आप को मेटाबॉलिक एक्टिव रखेगी, है ना, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, और जब जरूरत पड़ेगी तब ये फिर से अपने आप को डिवाइड कराएगी और फिर से ये सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करने लगेगी, ठीक है, यानी डिवीजन शो करने लगेगी, ठीक है। क्या इसमें ये बताया गया है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, इस स्टेज में यानी जी नॉट में क्या होगा, जी नॉट में क्या होगा, सेल जो अपने आप को मेटाबॉलिक एक्टिव रखेगी बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिव रखेगी बट क्या है, अपने आप को नो लॉन्गर का मतलब होता है आगे आगे के लिए, है ना, प्रोलिफरेट का मतलब होता है संख्या में इंक्रीज करना, है ना, इंक्रीज इन नंबर, यानी वो अपने आप को आगे और इंक्रीजमेंट नहीं करेगी, यानी वो इनएक्टिव स्टेज में चली जाएगी, अनलेस सेल्ड ऑन डू सो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जब ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगी, जब ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होगी तो सेल वो फिर से आके अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी, डिवाइडिंग पावर शो करेगी और फिर से वो सेल को डिवाइड कराएगी, ठीक है, कौन, जी नॉट, जी नॉट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, ये इनएक्टिव स्टेट में चली जाएगी, और ऐसा नहीं कि ये मतलब अब कभी डिवाइड नहीं कर पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब ज़रूरत होगी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अपने आप को फिर से डिवीजन में पार्टिसिपेट करा देगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या दिया गया है, इन एनिमल एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल, है ना, एनिमल में क्या होता है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ कहाँ पे देखा जाता है, डुप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखा जाता है, कहाँ पे देखा जाता है, डुप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखा जाता है, ये बात याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस बताइए, कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है एनिमल में कहाँ देखा जाता है और प्लांट सेल में कहाँ देखा जाता है, तो यहीं पे बताया गया, माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है एनिमल में डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखा जाता है, अगेंस्ट इट, इसके अलावा, इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत क्या है, द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ, जो प्लांट होता है वो दोनों में शो करता है माइटोटिक डिवीजन, कौन कौन से बोथ, यानी हैप्लॉयड सेल और डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल और डिप्लॉयड सेल दोनों में क्या माइटोटिक डिवीजन शो करता है, ये बात याद रखेंगे कि एनिमल में जो माइटोटिक डिवीजन शो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में होता है, बट जो इसमें प्लांट के केस में होता है इसमें माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में होता है, ठीक है। आगे क्या है, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेट विच इज द सीन इन द हैप्लॉयड माइटोटिक सेल, है ना, हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में पढ़ा था, कोई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, किसी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, किसी में हैप्लोडिप्लो लाइफ साइकिल था, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर प्लांट किंगडम में देखा था, ठीक है। अभी हमको फिगर दिखाया गया है, जिससे साइकिल का डायग्राम दिखाया गया हमको, है ना, अब ये इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट होते हैं, एक जीवन होता है ना, जिसको गैप फर्स्ट फेज बोलते हैं, ग्रोथ फर्स्ट फेज बोलते हैं, उसके बाद यह फेज होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, डीएनए बनता है, सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोल तो बनता है ना, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, और इसमें क्या होता है, जी टू फेस क्या होता है, गैस टू फेस होता है, इसमें क्या बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, है ना, इसमें जीवन में भी प्रोटीन बनेगी, आरएनए बनेगा, है ना, राइबोसोम बनेगा, और यस फेस में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा, है ना, डीएनए का सिंथेसिस यस फेस में न्यूक्लियस में होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, जी टू फेज में क्या होता है, ये ग्रोथ टू फेज होता है, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी, ठीक है, सेल अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखेगी, और फिर कहाँ पे ये तैयारी करती है, कहाँ पे जाने की, यम फेज में जाने की तैयारी करती है, यानी जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वहाँ पे जाने की तैयारी करती है। अब जो सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कराएगी वो कहाँ से एग्जिट हो जाएगी, जीवन से एग्जिट हो जाएगी, और कहाँ चली जाएगी, जी नॉट में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, जी नॉट में चली जाएगी, जिसको क्या क्यूसेंट फेस बोला था, यानी इनएक्टिव फेस था, ठीक है, यहाँ पे सेल क्या थी, इनएक्टिव स्टेज में चली जा रही थी, अपने आप को मेटाबॉलिकली जो था उसको एक्टिव रख रही थी, मेटाबॉलिकली एक्टिव थी बट वो क्या फर्दर पॉलीफेड नहीं कर रही थी, यानी फर्दर डिवाइड नहीं कर रही थी, ठीक है, और जब ऑर्गेनिज्म की जरूरत थी, जब ऑर्गेनिज्म को जरूरत होगी तो फिर से अपने डिवीजन में पार्टिसिपेट करने लगी जाएगी, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब इसमें आगे हम देखेंगे यम फेस के बारे में देखेंगे, तो यम फेस में कितने फेस होते हैं, यम फेस के कितने, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, ये यम फेस के पार्ट होते हैं, कौन कौन से,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इंटरफेज, यम फेज, ये क्या हुए, कैरियोकाइनेसिस में आए, और साइटोकाइनेसिस में जब होगा यम फेज के बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो जीवन फेज है ना, जीवन फेज होती है, जीवन फेज होती है वो किसके किसके बीच होती है, तो इसको बोलेंगे हम यम फेज। यम फेज को माइटोटिक फेज बोला था है ना, तो इसको हम बोल देंगे, जीवन फेज को हम क्या बोल देंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी ये माइटोटिक के बाद आ रही है पोस्ट माइटोटिक फेज, और यस फेज के पहले आ रही है, तो यानी प्री सिंथेटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज और प्री सिंथेटिक फेज जीवन फेज का नाम हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। और हमसे ये पूछ सकता है कि जो यस फेज होती है वो क्या क्या होती है, तो हम बोल देंगे यस फेज क्या हुई, पोस्ट, क्या हुई, पोस्ट, यानी जीवन के बाद हुई, पोस्ट ग्रोथ फेज फर्स्ट, और प्री प्री गैप फेज सेकंड, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन इसका, ठीक है। और हमसे ये पूछ सकता है कि जो यम फेज होती है, माइटोटिक फेज होती है, वो किसके किसके बीच आती है, तो हम बोल देंगे किसके किसके बीच आती है, जी टू और जीवन के बीच में, ठीक है। किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा तो कन्फ्यूज नहीं होने का है, सारे के सारे आंसर हम लोग सही करेंगे। अब क्या हुआ, अब हम लोग देखेंगे यम फेज के बारे में, है ना, यम फेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया था यम फेज क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यम फेज को क्या बोला हम लोगों ने, माइटोटिक फेज, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है, यानी आकस्मिक पीरियड होता है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज का पुनः बनना, पुनः पुनः बनना, यानी इसमें कोई चीज बनेगी, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअल आल कंपोनेंट ऑफ सेल, है ना। जो सेल के वर्चुअल कंपोनेंट होते हैं, मैं जरूरी कंपोनेंट होते हैं, उनका यहाँ पे क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है ना, सेल का एक्चुअल डिवीजन होगा, इसीलिए बोला है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। आगे क्या है, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजनी इज द सेम, है ना। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, जो नंबर होंगे क्रोमोसोम नंबर होंगे पेरेंट और प्रोजनी में क्या होंगे, वो सेम होंगे, वो सेम होंगे। माइटोटिक का मतलब ही होता है, माइटोटिक का मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन, क्या होता है, समसूत्री विभाजन, यानी इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो इक्वल इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल इक्वल होगा। इसमें पेरेंट्स और प्रोजनी में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। इट आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, यानी माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इसको तीन नाम से जानेंगे, कौन कौन से, माइटोसिस, कौन कौन सा, माइटोसिस, और क्या हुआ, माइटोसिस, और क्या हुआ इसका, हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, है ना, माइटोटिक, माइटोटिक, और क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, है ना, तीन नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। थ्रू द कन्वीनियंस, माइटोसिस को समझने के लिए क्या हुआ, थॉट फॉर कन्वीनियंस, माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। माइटोसिस को समझने के लिए हमने इसको फोर भागों में, हम लोगों ने फोर भागों में इसको डिवाइड कर दिया, न्यूक्लियर स्टेज में न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है उसके बेसिस पे फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, डेड सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस, है ना, इनमें की सेल का डिवीजन होता है प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, एंड इसमें क्लियर कट क्या होता है, वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेज। ये बहुत समझना जरूरी है कि जो सेल का डिवीजन होता है प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, यानी लगातार होता रहता है, क्या होता है, लगातार, लगातार जो होता है ये होता रहता है, इसी वजह से इसमें क्या है, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, इसमें क्लियर कट कोई लाइन इसको डिवाइड नहीं, ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग इनके वेरियस स्टेजेज में, है ना।
माइटोसिस को क्या है, माइटोसिस को कितने भागों में डिवाइड किया गया आगे, चार भागों में, कितने भागों में, फर्दर फोर क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, वो प्रोफेज, पहली क्लास कौन सी है, प्रोफेज, पहली क्लास कौन सी है, प्रोफेज। उसके बाद क्या है, मेटाफेज है, उसके बाद क्या है, मेटाफेज है, फिर क्या है, एनाफेज है, फिर क्या है, टीलोफेज है। ये हम याद रखेंगे, इसका सीक्वेंस हमसे पूछ लेते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होता है, या फिर इसका सीक्वेंस क्या होता है, तो इसका सीक्वेंस के लिए हम याद कर सकते हैं पी मैट, क्या याद कर सकते हैं, पी मैट, है ना, पी मैट मतलब पहले आया प्रोफेज, फिर आया मेटाफेज, फिर आया एनाफेज, फिर आया टीलोफेज, इसको हम पी मैट से याद रख लेंगे। सिक्वेंस से, सिक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका सिक्वेंशियल में अरेंजमेंट करो, सिक्वेंस में इसको अरेंजमेंट करो, तो हम बता देंगे पीमेट, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम फर्स्ट फेज देखते हैं, प्रोफेज देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रोफेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस का पहला स्टेज होता है, क्या होता है, प्रोफेज, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस तो हम बोलेंगे प्रोफेज, अगर हमसे पूछेगा लास्ट स्टेज और फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस तो क्या बोलेंगे हम लोग, टीलोफेज बोलेंगे, ठीक है। जो होता है प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज फॉर माइटोसिस फॉलोज एंड यस एंड यू टू फेज, है ना, इसमें यस एंड यू टू फेज एंड ऑफ इंटरफेज, यस और यू टू फेज जो होते हैं ये किसके, इंटरफेज के पार्ट हैं, है ना, हमको पता है जी वन एस जी टू इंटरफेस के पार्ट हैं, ठीक है। इन यस एंड जी टू फेस, यस और जी टू फेस में क्या होता है, इन द यस एंड जी टू फेस द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म, है ना, यस एंड जी टू फेस न्यू डीएनए मॉलिक्यूल आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। इसमें क्या बोला, क्या बोला, जी वन यस फेस में और जी टू फेस में क्या होता है, कोई न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो नहीं बनता है, बट क्या होता है, वो इंटरवाइंड होते हैं दूसरे से, क्या होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं। जीवन एच जी टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक बट इंटरवाइंड, ठीक है। आगे क्या बताएगा, प्रोफेज इज मार्क, प्रोफेज में क्या होता है ये हम याद रखेंगे, प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज इज मार्क बाई इनिशिएशन ऑफ, इनिशिएशन ऑफ, इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत होना, क्या होना, शुरुआत होना किसी चीज की, इनिशियल स्टेज यानी शुरुआती अवस्था, है ना, तो वही बताया गया है, प्रोफेज इज मार्क बाई इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, यानी क्रोमोसोम मटेरियल जो था उसका क्या हो जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियन यानी कंडेंसेशन हो जाएगा, वो कॉम्पैक्ट होना चालू हो जाएंगे, है ना, इसका मतलब होता है कंडेंसेशन यानी सघन, सघन यानी कॉम्पैक्शन, क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट होना चालू हो जाएगा, है ना, प्रोफेज में क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्या है आगे, क्या दिया गया है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड, अनटेंगल्ड का मतलब होता है सुलझना, सुलझना, अनटेंगल का मतलब होता है सुलझना, जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो क्या है, सुलझने लगता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, यानी क्रोमेटिन कंडेंसेशन में जो क्रोमोसोम मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, सुलझने लगेगा, ठीक है। आगे क्या है, द सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल का कैरेक्टर होता है, सेंट्रियोल कहाँ, एनिमल में पाया जाता है, द सेंट्रियोल्स विच हैज अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग यस फेज ऑफ इंटरफेज, जो सेंट्रियोल्स था वो कहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा था, यस फेस ऑफ इंटरफेस, यानी यस फेस ऑफ इंटरफेस में, यस फेस में और क्या हो रहा था, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, और क्या हो रहा था, सेंट्रियोल्स जो हो रहा था वो डुप्लीकेट हो रहा था, यानी वो रिप्लीकेट हो रहा था कहाँ पे, इंटरफेस, है ना। नाउ बिगिंग टू मूव अपोजिट पोल ऑफ द सेल, जो कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा था यस फेस में, अब वो क्या हुआ, अपोजिट पोल पे मूव करने लगा, है ना, अपोजिट पोल ऑफ सेल पे वो मूव करने लगा, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस मार्क बाई फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट, जो प्रोफेज कंप्लीट हो गया हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या कुछ फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होते हैं कि प्रोफेज हमारा कंप्लीट हो गया, उसके कुछ इवेंट्स हैं, वो क्या क्या इवेंट्स दिए गए हमको देख लेते हैं। तो पहला क्या है, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, जो क्रोमोसोम मटेरियल होगा वो क्या होने लगेगा भाई, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाएगा, सघन हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और क्या बनाएगा, माइटोटिक क्रोमोसोम बना देगा। और उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम आर सीन
क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिड, और क्रोमोसोम ये देखेंगे उसमें वो टू क्रोमेटिड से अटैच हुए हैं टुगेदर ए सेंट्रोमियर्स, है ना। क्या होगा, क्रोमोसोम जो होंगे वो हम उसमें क्या दो क्रोमेटिड दिखेंगी जो कि अटैच होंगी किससे, सेंट्रोमियर से, किससे अटैच होंगी, सेंट्रोमियर से अटैच होंगी, ठीक है, सेंट्रोमियर से क्या होंगी अटैच होंगी, ठीक है, एक ये दो क्रोमेटिड बनी, ठीक है, ये क्या हुई क्रोमेटिड जो किससे अटैच हैं, सेंट्रोमियर से अटैच हैं, ठीक है, ये हमको दिखाई देगा, ठीक है। आगे क्या है, इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, और क्या होगा माइटोटिक स्पिंडल का कहाँ क्या हो जाएगा, असेंबली यानी बनना चालू हो जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा, और क्या है द माइक्रोट्यूबुल्स एंड द प्रोटीनिशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प टू द प्रोसेस, है ना। उसमें क्या होता है इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्या माइक्रोट्यूबुल जो कि प्रोटीनिशियस कंपोनेंट ऑफ सेल के होते हैं साइटोप्लाज्म में, इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, करेंगे आप। इसमें क्या है, आगे हमको बताया गया है सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब एंड ऑफ प्रोफेज यानी प्रोफेज की लास्ट होगा, खत्म होगा, तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग, जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप से देखेंगे द सेल एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको क्या नहीं दिखेगा, डू नॉट शो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे कि हमको क्या क्या नहीं दिखेगा, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं ER बोलते हैं, हमको वो नहीं दिखेगा, और न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस क्या करता है RRNA की सिंथेसिस करता है या राइबोसोम की सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप यानी जब हम प्रोफेज खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो हमको क्या क्या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखेगा, है ना, डू नॉट शो, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब हमको आगे क्या बताया गया, मेटाफेज, क्या बताया गया हमको मेटाफेज, है ना, मेटाफेज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, है ना, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस क्या है हमारी, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस क्या है, वो मेटाफेज है, क्या है मेटाफेज है, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस क्या है मेटाफेज है, फर्स्ट फेज उसकी फर्स्ट फेज क्या है प्रोफेज है, है ना, जो न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था कहाँ से, प्रोफेज से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था प्रोफेज, जब लास्ट हुआ था उसका खत्म हुआ था तो वहाँ से डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, बट उसका वहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कहाँ पे आके हुआ, वो मेटाफेज में आके हुआ, तो यही बताया गया है द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस, यानी माइटोसिस के सेकंड फेज में इसका न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड, इसमें क्या है हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो क्रोमोसोम स्प्रेड थे साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बाय दिस स्टेज, यानी जो क्रोमोसोम जो थे वो स्प्रेड थे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में फैले हुए थे, तो अब इस स्टेज में क्या हो जाएगा, वो उनका भी कंडेंसेशन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, कंडेंसेशन कंप्लीट यानी क्रोमोसोम जो साइटोप्लाज्म में ऐसे स्प्रेड हुए थे, फैले हुए थे, उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज से, बट कंप्लीट कहाँ पे होगा यम फेज में, कहाँ पे होगा यानी सॉरी मेटाफेज में, कंप्लीट कहाँ होगा इसका मेटाफेज में, ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हुआ था प्रोफेज से, बट कंप्लीट हुआ आके मेटाफेज में, और जो इसका था कॉम्पैक्शन यानी जो न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसइंटीग्रेट हुआ था वो प्रोफेज के लास्ट में हुआ था, बट उसका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कहाँ हुआ मेटाफेज में हुआ, ये बात याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्लीट कहाँ से हुआ स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है एंड दे बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया कहाँ पे मेटाफेज में, और हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से कि इसका जो कंप्लीट कंडेंसेशन है क्रोमोसोम का वो मेटाफेज में कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे क्या है दिस देन इज स्टेट एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्टली ऑब्जर्व, है ना, तो इसमें क्या है ये क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका रंग रूप मतलब फिजिकल अपेरियंस, है ना, फिजिकल अपेरेंस, फिजिकल अपेरेंस जो है क्रोमोसोम का वो हम कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं मोस्ट इजीली हम लोग कर सकते हैं मेटाफेज में, है ना। अब यहाँ से कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है कि मॉर्फोलॉजी की स्टडी कहाँ पे कर लेंगे
क्रोमोसोम के, तो यम से मॉर्फोलॉजी, यम से क्या हुआ मेटाफेज, यम से मॉर्फोलॉजी, यम से क्या हुआ मेटाफेज। इससे हम याद रखेंगे कि मेटाफेज में जो होता है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम हम इजीली स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए, क्रोमोसोम के लिए मेटाफेज बेस्ट स्टेज है, ठीक है, याद रखेंगे। एट दिस स्टेज मेटाफेज जो होता है, इस स्टेज में और क्या होगा, जो मेटाफेज क्रोमोसोम होंगे इज मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड वेयर आर हेल्ड टुगेदर बाई सेंट्रोमियर्स, है ना। इसमें क्या हुआ, इस स्टेज में क्या होगा, मेटाफेज क्रोमोसोम जो होंगे टू सिस्टर क्रोमेटिड से मिलके बने होंगे, विच आर हेल्ड टुगेदर बाई सेंट्रोमियर्स, और वो सेंट्रोमियर से हेल्ड होते हैं, सेंट्रोमियर से हेल्ड होते हैं, है ना, किससे हेल्ड होते हैं, सेंट्रोमियर से हेल्ड होते हैं। हमको पता है कि ऐसे ये हुए, ये क्रोमेटिड हुए, ये क्रोमेटिड हुए, ये क्रोमेटिड हुए, ये किससे सेंट्रोमियर से हेल्ड हो गए, ठीक है, सेंट्रोमियर से जुड़ गए, ठीक है, टू सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो होता है सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर्स हो गया, ठीक है, ये क्रोमेटिड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे होता है स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ होता है सेंट्रोमियर्स, किसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटोकोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ये क्या, प्रोटीनिशियस होता है, यानी प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, यानी स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, जो कि सरफेस, सेंट्रोमियर की सरफेस पे होगा, जिसको क्या बोल देंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे, ठीक है, काइनेटोकोर बोलेंगे। ये क्या होता है, प्रोटीन का होता है, प्रोटीनिशियस होता है, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर सर्व, इसमें क्या होता है, काइनेटोकोर किसमें हेल्प करता है, तो ये हमको बताया गया, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, इसमें काइनेटोकोर में क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे, और यही फिर डिफरेंट सेल के अपोजिट पोल पे ले जाएगा खींच के, ठीक है। फॉर्म बाय स्पिंडल फाइबर्स, ये जो होते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर से बनते हैं, टू द क्रोमोसोम डेट आर मूव टू इन टू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ द सेल, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये काइनेटोकोर सेल को सेंटर से ले जाएगा, एक इधर पोल पे खींचेगा, एक इधर, यहाँ से इधर से जुड़ेंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम होंगे, मैं आगे आपको फिगर में अच्छे से बताऊंगा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, दोनों अपोजिट पोल पे खींचेगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर इसे काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ठीक है। हेंस द मेटाफेज, हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाई, हेंस द मेटाफेज कैरेक्टराइज बाई ऑल द क्रोमोसोम कमिंग लाइज ऑन इक्वेटर विद द क्रोमेटिड ऑफ ईच अदर कनेक्टेड बाई द काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन फोल्ड एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाई द इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट फोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, समझिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो होते हैं सारे के सारे मेटाफेज में क्या होगा, कि जो सारे के सारे जो क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ पे आके, इक्वेटर पे आके, इक्वेटर आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको पोल रीजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ये क्या रेखा होती है, इक्वेटर रेखा होती है, क्या होती है, इक्वेटर रेखा होती है। तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, लाइज आ जाएंगे, यहाँ पे इक्वेटर पे आ जाएंगे, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे, विथ वन ऑफ ईच क्रोमेटिड कनेक्टेड बाई काइनेटोकोर, और जिनमें के इन प्रत्येक का जो क्रोमेटिड होगी वो काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होगी, एक पोल से, एक पोल इधर से कनेक्ट होगा, एक इस वाले पोल से, एक इस वाले पोल से, स्पिंडल फाइबर से क्रोमेटिड जो होंगे वो कनेक्ट होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, इन सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर, जो कि काइनेटोकोर होगा स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे अपोजिट पोल में, ठीक है। फिगर मैं आपको बताऊंगा 10.2 पे, ठीक है, क्या इसमें, यानी जो मेटाफेज में होता है क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, द प्लेन अलाइनमेंट, तो ऐसे प्लेन अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम एट द मेटाफेज रिपर्ड एट द मेटाफेजल प्लेट, है ना। इसमें क्या होगा, मेटाफेज प्लेट बन जाएगी, मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी, ये बात याद रखेंगे कि जब सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं, यानी इक्वेटर पे आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इस अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं, इस अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाफेज बोलते हैं, मेटाफेज का मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। मेटाफेज के कुछ की फीचर्स होते हैं, की फीचर्स क्या क्या होते हैं मेटाफेज के, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके की फीचर्स क्या होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो काइनेटोकोर के अटैच हो जाएंगे, है ना।
क्रोमोसोम जो होंगे स्पिंडल फाइबर जो गैनेटोकोकस हैं उससे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम आर मूव, क्रोमोसोम क्या होंगे, मूव टू, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंग अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ पोल, है ना। दोनों पोल में क्या होंगे, क्रोमोसोम जो होंगे स्पिंडल फाइबर से इक्वेटर पे आके लग जाएंगे, यानी इक्वेटर पे आ जाएंगे और क्या होगा, ये मेटाफेज प्लेट बना लेंगे और स्पिंडल फाइबर बोथ बोथ स्पिंडल फाइबर दोनों पोल पे अटैच हो जाएंगे। आपको मैं फिगर बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो था अर्ली प्रोफेज का, अर्ली प्रोफेज का हमको ये डायग्राम दिया गया, इसमें क्रोमोसोम ऐसे सब ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या कॉम्पैक्शन होने लगा, ठीक है, धीरे धीरे ये कॉम्पैक्ट होने लगे, लेट प्रोफेज से लेट प्रोफेज में गए तो धीरे धीरे ये कॉम्पैक्ट होने लगे, ठीक है, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होने लगे, कंडेंसेशन होने लगा इनका, क्या होने लगा, कंडेंसेशन होने लगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब लेट प्रोफेज में क्या हुआ, इनका कंडेंसेशन होने लगा। अब उसके बाद क्या है, कंडेंसेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्रोफेज से हुआ था, लेट प्रोफेज से। अब उसका जो कंप्लीट कंडेंसेशन हुआ वो कहाँ पे जाके हुआ, मेटाफेज में जाके हुआ, और क्या हुआ वहाँ पे, जो न्यूक्लियर एनवलप था, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन भी कहाँ पे हुआ, मेटाफेज में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, यानी मेटाफेज की स्टार्टिंग हुई, क्या हुई, स्टार्टिंग हुई यहाँ पे मेटाफेज की, इसमें क्या हुआ, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, यानी मेटाफेज की क्या हुई, स्टार्टिंग हुई यहाँ पे, क्या हुई, स्टार्टिंग, ठीक, स्टार्टिंग हुई। धीरे धीरे सारे से सारे जो था कंडेंसेशन हो गया और धीरे धीरे ये क्या होंगे, मेटाफेज पे आके, यानी इक्वेटर पे आके ये अलाइन हो जाएंगे। वही बताया गया कि इसमें जो मेटाफेज में था, मेटाफेज में क्या है, ये जो क्रोमोसोम थे कहाँ पे आके, इक्वेटर पे आके अलाइन हो गए, इक्वेटर पे आके अलाइन हो गए, और एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया। अब इस पर स्पिंडल फाइबर जो था ये सेंट्रो, इसमें पेंट्रोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट पोल में खींचने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अलाइनमेंट, इस अलाइनमेंट को क्या बोला, मेटाफेजिक प्लेट बोला, मेटाफेज प्लेट बोला, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि कैनेटोकोर का एक कैनेटोकोर एक स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हुआ और एक क्रोमेटिड को ऊपर ले जाएगा, इसको इधर ले जाएगा, अपोजिट पोल पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्या हुआ नेक्स्ट, क्या हमको थर्ड स्टेज क्या दी गई, एनाफेज, है ना, क्या बताया गया है, एनाफेज क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, एनाफेज ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग हुई, ऑनसेट मतलब शुरुआत, क्या हुई, शुरुआत, जैसे ही एनाफेज की शुरुआत हुई तो क्या हुआ, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट, जो क्रोमोसोम सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ, मेटाफेज में कहाँ पे, इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे, कहाँ पे, मेटाफेज प्लेट बना लिए थे, मेटाफेज प्लेट बना लिए थे, इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे। अब वो क्या हो गए, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्प्लिट होना चालू हो जाएंगे, एक इधर से स्पिंडल फाइबर खींच रहा था, एक इधर से स्पिंडल फाइबर खींच रहा था, दोनों क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी स्प्लिट हो जाएंगे, है ना, यही बताया गया हमको। ऑन द सेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड, तो डॉटर क्रोमेटिड जो होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे, जो डॉटर क्रोमेटिड में स्प्लिट हो जाएंगे, क्या है फिर, साइमल्टेनियसली साथ साथ, मतलब ठीक है, साथ साथ स्प्लिट होंगे वो, टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर्ड टू एज क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, फिर इसको क्या बोलेंगे हम, ये रिफर अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, फ्यूचर डॉटर का न्यूक्लियाई बनाएंगे, क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके के बाद क्या है, बिगिंग देयर माइग्रेशन, इनका जो माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है ना, माइग्रेशन होगा, बिगिंग देयर माइग्रेशन टूवर्ड टू अपोजिट पोल, इनका जो माइग्रेशन हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा, दो अपोजिट पोल पे हो जाएगा, एक पोल ये वाला पोल, एक वाला ये, यहाँ पे क्रोमोसोम जो थे इधर से ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर अटैच थे, दोनों एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, यानी स्प्लिट हो जाएंगे, एक क्रोमेटिड इधर आ जाएगी, एक क्रोमेटिड उधर आ जाएगी, दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, मैं आपको फिगर में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, अपोजिट पोल पे माइग्रेट हो जाएंगे। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट, और प्रत्येक क्रोमोसोम जो होगा वो इक्वेटर प्लेट से मूव अवे हो जाएगा, यानी वो इक्वेटर से दूर हो जाएगा, इक्वेटर से क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट से, इक्वेटोरियल प्लेट से वो दूर हो जाएगा, ठीक है। द सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम
इज टूवर्ड द पोल, है ना, जो सेंट्रोमियर्स होगा प्रत्येक क्रोमोसोम का वो किधर होगा, पोल की तरफ होगा। याद रखेंगे द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम टूवर्ड्स द पोल, यानी सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम का होगा वो पोल की तरफ होगा। बट ये बात याद रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यार, जो सेंट्रोमियर्स ऑफ द ईच क्रोमोसोम टूवर्ड्स पोल, यानी सेंट्रोमियर्स होगा वो प्रत्येक क्रोमोसोम का पोल की तरफ होगा। हेंस द लीडिंग एज जो उसकी आम होंगी वो क्या होंगी, इधर होंगी, टेलिंग बिहाइंड, है ना, उसकी जो आम होंगी, आम क्रोमोसोम टेलिंग बिहाइंड, उनकी आम होगी पीछे की तरफ होंगी। फिगर में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक, तो एनाफेज में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, उसकी स्टेज में कैरेक्टर होते हैं, वो क्या हैं वो हम देखते हैं, वो क्या हैं हम देखते हैं कि कुछ की इवेंट्स होते हैं। की इवेंट्स क्या क्या हुए इसमें, क्या हुआ सेंट्रोमियर्स, इसमें क्या हुआ सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर्स क्या हुआ स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर्स क्या होगा स्प्लिट होगा एंड क्रोमेटिड सेपरेट, और उसमें जो क्रोमेटिड हैं वो क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटर पे अरेंज थे मेटाफेज में, अब एनाफेज में वो स्प्लिट हो जाएंगे, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे उनके क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या है क्रोमेटिड मूव अपोजिट पोल, क्रोमेटिड जो हैं वो अपोजिट अपोजिट पोल पे मूव कर लेंगे, ठीक है, अपोजिट अपोजिट पोल पे मूव कर लेंगे। अब हमको क्या बताया गया यहाँ पे टेलोफेज, क्या बताया गया टेलोफेज, टेलोफेज क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। टेलोफेज क्या है, एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस क्या था, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस क्या था प्रोफेज था, क्या था प्रोफेज था, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस क्या था प्रोफेज था, बट फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस पूछा जाए तो हम आंसर करेंगे टेलोफेज, क्या करेंगे फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस बोले तो टेलोफेज, ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस की फाइनल स्टेज जिसको क्या बोला टेलोफेज बोला, द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम थे द क्रोमोसोम डेट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, है ना, और वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे जाके पहुंच जाएंगे, यानी जहां उनको जाना था, जहां जहां जाना था वहां वहां पे पहुंच जाएंगे रिस्पेक्टिव पोल्स, और डीकंडेंसेशन और डीकंडेंस हो जाएंगे, यानी और अपनी वो क्या है लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी अपनी क्या है इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देंगे, है ना, लॉस कर देंगे अपनी इंडिविजुअलिटी को, जहाँ पे उनको क्रोमोसोम को जाना है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि एनाफेज में था वो सेग्रीगेट क्रोमेटिड सेग्रीगेट हो रहे थे, अपोजिट अपोजिट पोल पे पहुँच गए थे, अब वहाँ पे क्या होगा टेलोफेज में क्या होगा वो जो क्रोमोसोम थे वहाँ पे पहुँच गए अपने रिस्पेक्टिव पोल पे और डिकंडेंस हो गए और अपनी विजुअलिटी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर दिया, ठीक है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, द क्रोमेटिड मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन मास ऑफ द टू पोल्स, इसका मतलब क्या हुआ, अब इंडिविजुअल प्रत्येक क्रोमोसोम को हम ज़्यादा लंबे समय तक क्रोमेटिक मटेरियल के रूप में नहीं देख सकते हैं, है ना, क्रोमेटिक मटेरियल के रूप में नहीं देख सकते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नॉट सिंग इन क्रोमेटिक मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन मास, है ना, ये क्या है एक मास के तरीके, यानी मास के तरीके टू पोल में इकट्ठा हो गया कलेक्ट हो गया, है ना, ये दो पोल में इकट्ठा हो गया मास के तरीके, ठीक है। अब इसके में क्या है दिस स्टेज विच सॉ द फॉलोइंग की इवेंट, इसमें भी कुछ की इवेंट्स हैं, वो क्या क्या की इवेंट्स हैं, वो की इवेंट्स ये हैं कि जो है क्रोमोसोम क्लस्टर जो था, क्रोमोसोम क्लस्टर था अपोजिट पोल पे क्या हुआ, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल फाइबर, सॉरी क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस डिस्ट्रिक्ट लिमिट, है ना, इसमें क्या हुआ क्रोमोसोम थे अपोजिट पोल पे चले गए और उनकी क्या है आइडेंटिटी लॉस हो गई, है ना, आइडेंटिटी लॉस हो गई, ठीक है, और फिर क्या हुआ उसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, और जो क्रोमोसोम का क्लस्टर था उनके चारों तरफ क्या हुआ न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो गई, यानी उसमें बन गई, है ना, बन गई है ना, उसमें असेंबल हो गई या लग गई, बन गई या लग गई, ठीक है, उसमें क्या हुआ न्यूक्लियर एनवेलप एसेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, क्रोमोसोम क्लस्टर में न्यूक्लियर एनवेलप रैप्ड हो गई आ गई उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है जो न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिफॉर्म हो गए, क्या हो गए रिफॉर्म हो गए, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोफेज में ख़त्म हुए थे वो यहाँ पे आके फिर से बन गए, वो यहाँ आके फिर से बन गए। ये बात याद रखेंगे कि जो था न्यूक्लियर एनवलप था, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, न्यूक्लियोलस था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये कहाँ पे ख़त्म हुए थे, ये कहाँ पे ख़त्म हुए थे, प्रोफेज में। कहाँ पे ख़त्म हुए थे, प्रोफेज में। अब ये ईपीएस हो गए कहाँ पे, टीलोफेज में। ये बात हम याद रखेंगे, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्या हुआ, ये हमको फिगर दिखाया गया एनाफेज का, एनाफेज का फिगर हम देख लेते हैं कि जो क्या था, जो मेटाफेज में था, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम थे वो कहाँ पे, इक्वेटर पे आके यहाँ पे लग गए थे, इक्वेटर पे आके लग गए थे। अब क्या हुआ, अब स्पिंडल फाइबर कैंटोकोर से अटैच हुए और क्या हुआ, अपोजिट अपोजिट पोल पे दोनों को खींचा, है ना, एक क्रोमेटिड इधर सेग्रीगेट हो गए, एक इधर सेग्रीगेट हो गए, तो दोनों के दोनों क्या हुए, अपोजिट अपोजिट पोल पे चले गए, है ना, दोनों के दोनों अपोजिट अपोजिट पोल पे चले गए। ये क्या था, एनाफेज था, इसमें स्प्लिट हो रहे थे ना, मेटाफेज में आके तो इक्वेटर पे अरेंज हुए थे, बट फेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैच हुए, क्रोमेटिड को सेग्रीगेट कर दिया अपोजिट अपोजिट पोल में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर ये हमारा टीलोफेज हुआ, है ना। अब ये यहाँ पे टीलोफेज में क्या हुआ, ये क्लस्टर और मास मास के रूप में इकट्ठे हो गए, है ना, ये क्लस्टर मास के रूप में इकट्ठे हो गए दोनों दोनों रेस्पेक्टिव पोल्स में, दोनों के दोनों रेस्पेक्टिव पोल्स में मास के रूप में इकट्ठे हो गए, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी इन्होंने, ठीक है। और इसके ऊपर क्या था, ये जो न्यूक्लियर एनवलप था ये फिर से आ गया, एजम्बल हो गया, न्यूक्लियर एनवलप इनमें आ गया क्रोमेटिन क्लस्टर पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये इंटरफेस के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस तो पूरी खत्म हो गई, अब लास्ट में क्या आया, साइटोकाइनेसिस, है ना, क्या आया, साइटोकाइनेसिस के बारे में देखेंगे हम लोग। साइटोकाइनेसिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। माइटोसिस, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, है ना, यानी समसूत्री विभाजन, हम लोग जानते हैं माइटोसिस क्या होता है, समसूत्री विभाजन यानी इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन। माइटोसिस एकम्प्लाइज नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इंटू डॉटर न्यूक्लियाई, बट द सेल इटसेल्फ डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनोसिस एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन इज कम्प्लीटेड। इसका मतलब क्या बोला, इसका मतलब ये है कि जो माइटोसिस होती है वो सिर्फ इस माइटोसिस का मतलब ये नहीं कि सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम डॉटर में, डॉटर के न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम है उसका सिर्फ सेग्रीगेशन नहीं होता है, है ना, उसका डुप्लीकेशन और सेग्रीगेटेड क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन डॉटर न्यूक्लियाई में नहीं होता है, यानी सिर्फ उसका कैरियोकाइनेसिस से मतलब ही नहीं कि माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, बट उसमें साइटोकाइनेसिस भी होती है, उसके बारे में भी होता है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई में होगी कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस दोनों होती है, माइटोसिस के फेज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। बट एट द सेल इटसेल्फ इट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, और इसमें क्या होता है, सेल जो होती है वो खुद को डिवाइड करती है टू डॉटर सेल में, है ना, दो डॉटर सेल में खुद को डिवाइड करती है बाई सेपरेट प्रोसेस, जिसको एक सेपरेट प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन इज कम्प्लीट, इसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होगी फिर साइटोकाइनेसिस होगी तब क्या जाके सेल डिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, तो वही हमको बताया गया है, इन एनिमल सेल दिस अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ ए फॉरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है वो कैसी होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉरो बन जाती है, फॉरो का मतलब होता है खांच, क्या होता है, खांच बन जाती है, है ना, एक इंसर्शन आ जाता है, खांच बन जाती है, जैसे ये सपोज, ठीक है, ये हुआ एनिमल सेल, अब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे डिप्रेशन आएगा, ये फॉरो डीप जाएगी और डीप जाएगी और डीप जाएगी और डीप जाएगी और ये दो में डिवाइड कर देगी, क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, इसी को सेल फॉरो बोलते हैं, है ना, सेल फॉरो मेथड बोलते हैं इसी को, यही हमको बताया गया है, एनिमल सेल में अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ द सेल फॉरो, सॉरी फॉरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये फॉरो जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खांच बन जाएगी, ये फॉरो होगी धीरे धीरे क्या करेगी,
फरो ग्रेजुअली डीपन, ये जो खांच होगी धीरे धीरे और गहराई पे जाएगी, अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू, और क्या होगी साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगी दो भागों में, है ना, ये फरो और गहराई तक जाएगी और ये साइटोप्लाज्म को एक भाग ये हो गया एक भाग ये हो गया दो भागों में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल फरो मेथड बोलते हैं। बट प्लांट में होता है ये डिफरेंट होता है, प्लांट में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। प्लांट सेल हाइबर इनक्लोज बाय द रिलेटिव एक्सटेंसिबल सेल वॉल, क्योंकि इसमें जो होती है क्या पाई जाती है सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेल वॉल का पाया जाना, ठीक है, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, इस वजह से क्या होता है साइटोकाइनेसिस जो होती है प्लांट में वो डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है, यानी दूसरे तरीके से होती है। अब किस दूसरे तरीके से होती है तो वही हमको बताया गया, इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर, वॉल फॉर्मेशन जो होता है सेंटर से स्टार्ट होता है एंड सेल ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल, यानी इसमें क्या होता है जो प्लांट सेल में होता है वॉल फॉर्मेशन होता है सेंटर की तरफ से स्टार्ट होता है और आउटवर्ड की तरफ ग्रो करता है ना, सेंटर टू आउटवर्ड कैसा होगा सेंटर टू पेरीफेरल होता है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर टू पेरीफेरी होता है, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, यानी जो नई सेल क्या बनेगी जो नई सेल वॉल बनेगी ये हमको बताएगा, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल सेल प्लेट, क्या ये नई सेल वॉल बनती है कहाँ से बनती है सेल प्लेट से बनती है, ठीक है, इसको सेल प्लेट बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, इसको सेल प्लेट बोलते हैं। डेट रिप्रेजेंटेड द मिडिल लैमला, है ना, सेल वॉल कहाँ से बनेगी मिडिल लैमला में क्या होता है कैल्शियम पेक्टेट और भी होते हैं मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है बेसिकली, इस वजह से हार्ड होती है, ठीक है। मिडिल लैमला रिप्रेजेंट द मिडिल लैमला ऑफ द वॉल टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में मिडिल लैमला होती है, ठीक है। आगे क्या है एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम क्या होता है एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकांड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल, है ना, इसमें क्या हुआ जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसमें ऑर्गेनल्स जो होते हैं ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं माइटोकांड्रिया हो गया प्लास्टिड्स हो गए वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू डॉटर सेल में, डॉटर सेल में ऑर्गेनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइटोकाइनेसिस के टाइम, है ना, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम। आगे क्या है इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कैरियोकाइनेसिस यानी जो न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो साइटोकाइनेसिस को यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को, साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को फॉलो नहीं करता है, है ना, क्या है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज रिजल्ट द विच मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, इसका एग्जांपल दिया गया हमको लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस होती है यानी न्यूक्लियर का डिवीजन उनके साइटोप्लाज्म के डिवीजन को यानी साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है तो उसमें क्या हो जाएगा कि मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर का डिवीजन, अब न्यूक्लियर का डिवीजन ज़्यादा हो गया है ना, बहुत बार न्यूक्लियर डिवाइड कर दिया बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ नहीं, जब न्यूक्लियर का डिवीजन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा मल्टीन्यूक्लिएटेड बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, इसलिए इसको बोला मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन का राइज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं सिंसाइटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिंसाइटियम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे हमसे क्वेश्चन में पूछता है, है ना, कि सिंसाइटियम क्या होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती है, इसका एग्जांपल हमको क्या दिया गया इसका एग्जांपल दिया गया लिक्विड एंडोस्पर्मिंट कोकोनट एग्जांपल है सिंसाइटियम का, इसमें क्या होता है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। हमको क्या दिया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ना माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं।
सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ, महत्व, महत्व यानी इसका क्या हुआ, माइटोसिस का महत्व क्या है, है ना, इक्वेशनल डिवीजन का महत्व क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है, माइटोसिस और माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, हमको पता है, हम सभी जानते हैं, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, ये कहाँ पे, डिप्लॉयड सेल पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी टूजन वाली सेल पे जो होंगे उस पे माइटोसिस नहीं होगी। ठीक है, टूजन पे माइटोसिस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, उसके पीछे का रीजन होता है। रीजन क्या होता है कि माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। अगर हमको टूजन सेल है, ठीक है, अगर टूजन हमारा सेल है, टूजन प्लॉयडी है, अगर इसका इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा तो क्या टूजन ही बनेगा। ठीक है, एक पेरेंट से मतलब टूजन आया और दूसरे पेरेंट से भी टूजन आया, दूसरे पेरेंट से भी टूजन आया, जब ये दोनों का फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4n बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4n बन जाएगा। तो यानी टेट्राप्लॉयडी पॉसिबल नहीं है, क्या टेट्राप्लॉयडी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो होता है, जो माइटोसिस होती है सिर्फ हैप्लॉयड सेल में होती है, हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगी। हैप्लॉयड सेल का मतलब हुआ कि मान लो एक n है, अब इसमें माइटोसिस हुई तो इससे n आया, और एक n है तो इससे माइटोसिस हुई तो इससे भी n आया, दोनों जब फ्यूज करेंगे 2n बना देंगे, यानी डिप्लॉयड तो पॉसिबल है, है ना, डिप्लॉयड पॉसिबल है, बट टेट्राप्लॉयड पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जो माइटोसिस होती है सिर्फ हैप्लॉयड सेल में ही होती है, वही हमको बताया गया है। माइटोसिस आर इक्वेशनल डिवीजन यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल में नहीं होती है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, सम लोअर प्लांट्स, कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं एंड सम सोशल इंसेक्ट जो कि हैप्लॉयड होते हैं, वो डिवाइड करते हैं, उनकी सेल जो डिवाइड करती है भाई माइटोसिस से डिवाइड करती है, ये बात याद रखेंगे, ये हमसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सम लोअर प्लांट्स होते हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट होते हैं, वो जो कि हैप्लॉयड होते हैं, कैसे होते हैं, सोशल इंसेक्ट कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, वो किसके थ्रू डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, याद रखेंगे, हैप्लॉयड है तो इक्वेशनल डिवीजन हुआ, यन आया इसका, ये भी हैप्लॉयड है, इससे भी यन आया, दोनों फ्यूज के टू यन बना देंगे, ये पॉसिबल है। ठीक है, आगे क्या है, इट इज़ द वेरी इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है, इट इज़ द वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि जो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस यहाँ पे डिवीजन दिया है, कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, है ना, माइटोसिस डिवीजन, यानी माइटोसिस डिवीजन को समझना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, उसका क्या रोल है। ठीक है, आर यू अवेयर, आप जानते हैं, आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू स्टडी अबाउट द अप्लाइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट, है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्या है, माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस यूजली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस यूजली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे, जो माइटोसिस होता है उससे क्या होता है, उससे डिप्लॉयड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है, डिप्लॉयड डॉटर सेल बनती है, यानी जो प्रोजनी बनेगी वो कैसी बनेगी, डिप्लॉयड ही बनेगी। मान लो एक यन हैप्लॉयड ये आया, एक यन हैप्लॉयड ये आया, जब दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बना देंगे, 2n बना देंगे, तो इससे क्या बना, डिप्लॉयड बना, क्या बना, डिप्लॉयड बना। ठीक है, डिप्लॉयड बना, और ये जो जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है ये आइडेंटिकल होता है, इसमें क्या होता है, डाटा सेल का जो आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है, यानी उसके पेरेंट से जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है वो किसके थ्रू होती है, ड्यू टू माइटोसिस। ये बात याद रखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू ग्रो करते हैं। और क्या है, सेल ग्रोथ रिजल्ट, सेल की ग्रोथ क्यों होती है, है ना, सेल की ग्रोथ होना क्यों जरूरी समझा गया, सेल की ग्रोथ क्यों हुई, तो उसका क्या है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल की ग्रोथ क्यों हुई, जब उसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तभी ही सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, देयरफॉर बिकम इसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड एंड रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। और सेल का जो भाई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, ये इसेंशियल होता है सेल के लिए, ये प्रत्येक सेल के लिए इसेंशियल होता है कि ये अपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या मेंटेन बनाए रखें, क्या करें, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन रखें।
है ना, उसको बनाए रखें, मेंटेन रखें, उस वजह से वो डिवाइड करती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इन ए सेल रिपेयर, है ना, और एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसका, सेल का क्या होता है कि वो सेल को क्या करती है, रिपेयर करती है। माइटोसिस के थ्रू सेल क्या होती है, रिपेयर होती हैं। जैसे हमारी अपर स्किन लेयर है ना, जैसे हमारी क्या हुई द अपर स्किन लेयर, अपर स्किन की लेयर क्या हुई, अपर की स्किन की लेयर क्या हुई, इपीडर्मिस, क्या हुई इपीडर्मिस, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, इपी का मतलब बाहर, यानी स्किन की सबसे बाहरी लेयर क्या हुई, इपीडर्मिस हुई। सो द अपर लेयर ऑफ द इपीडर्मिस, इपीडर्मिस स्किन की अपर लेयर जो इसको इपीडर्मिस बोलते हैं, है ना, और क्या होता है सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, अपर इपीडर्मिस की लेयर, अपर इपीडर्मिस की लेयर, और क्या हुई अपर एपिडर्मिस यानी स्किन की लेयर अपर वाली, और क्या है लाइनिंग ऑफ द गट, गट की लाइनिंग, है ना, और क्या है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल ये सब क्या होती हैं, ये अपनी रिप्लेस होती रहती हैं, है ना, समय समय पे रिप्लेस होती रहती हैं। किसके थ्रू होती हैं, ये माइटोसिस, है ना, रिप्लेसमेंट होता है, तो ये माइटोसिस के थ्रू ही होगा। ठीक है, आगे क्या है माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, माइटोटिक डिवीजन जो होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू में होता है। माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे होगा, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में होगा। मेरिस्टमेटिक टिश्यू में कौन कौन से आ जाएंगे, एपाइकल, एपाइकल में अब दो चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, रूट एपाइकल, रूट एपाइकल, और क्या आ जाएगा सूट एपाइकल, सूट एपाइकल। ठीक है, रूट एपाइकल जो होगा रूट में ग्रो कराएगा, और सूट एपाइकल यानी स्टेम में ग्रोथ कराएगा। ठीक है, एंड क्या है लैटरल कैम्बियम, लैटरल कैम्बियम का मतलब हुआ उसकी जो विद में, विद में, विद में यानी चौड़ाई में उसकी ग्रोथ कराएगा, है ना, चौड़ाई में क्या कराएगा, चौड़ाई में, चौड़ाई में ग्रोथ कराएगा। ठीक है, रिजल्ट इन ए कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट लाइफ, है ना, इसी वजह से क्या होता है कि प्लांट की में जो ग्रोथ होती है पूरी लाइफ होती है, पूरी लाइफ प्लांट में ग्रोथ होती है। याद रखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ पूरी लाइफ में होती है, एनिमल की ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज में होती है। एनिमल की ग्रोथ क्या होती है, एनिमल में क्या होती है सर्टेन एज तक, या सर्टेन एज तक उसकी एक ग्रोथ होती है। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड एक नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने माइटोसिस के बारे में देखा, सेल का इंट्रोडक्शन देखा, और माइटोसिस के बारे में सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली। आई होप यू लाइक माई सेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड, एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन माई सोशल मीडिया हैंडल, सो प्लीज़ विजिट ऑन अवॉर्ड सेक्शन ऑफ माई चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।